देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो हेलो, बद्री बाबू से बात हो सके? हाँ बोलो तनी, बोले। बद्री बाबू हमारा रघुआ से मिले करे। अचानक रघुआ सुजानगढ़ से क्या काम पड़ गए? है ना, बात कुछ ऐसा खास ना रहे, बस ऐसे ही पूछ ले। हाँ, देखो फार्म हाउस बा हमारो इधर। मिट्टी के जन्म भी सुजानगढ़ के आसपास ही कहीं भइल रहे। लोग बाबू रवा कहल का चाहता नहीं, मतलब कि रवा ही पता कहे चला? ना ना, रवा कहनी ना कि राव और फार्म हाउस बा हुई जा। ता रवा के पते हुई कि सुजानगढ़ से पहले को बांध पड़ेला और सुजानगढ़ के आगे से कोनो भी चीज अगर बाह के आवेला ता उहे बांध पर आके रुकेला। अंदाजा ही बा कि मिट्टी बांध के ऊपर के नहीं, बांध के ऊपर के नहीं, बांध के ऊपर। और बद्री काका के गाँव और सुजानगढ़ वाला ही बांध के बीच में इक्का तुक्का छोड़ के प्रॉपर आबादी वाला जगह एके गो बा, और वो जगह बा सुजानगढ़। वाह लग बाबू, राव डिपार्टमेंट तो अचानक बहुत समझदार हो गई। बाबूजी हम रोके कले रहे ना, एसपी साहब भी ये केस में पूरा इंटरेस्ट ले रहे बड़े। मगर एगो बात हमरा समझ में नहीं आवत, चाहे महज एगो इत्तेफाक बा या फिर बात कुछ और बा, काहे से कि मिट्टी के जवन नकली माई बाबू मिलल रहे ना, वो दोनों भी ई सुजानगढ़ के ही रहल। रवा इकुल हमरा काहे बताओ तनी आलो बाबू? बाबू जी सुबह भुला गई नहीं का, रवे कले रानी की ई केस में अगर कोनो तरह के मदद की जरूरत पड़ी तब बताए हमके। हाँ आप हम कहले रही, बताइए ना का मदद करे के बा? बस इतने मदद बाबूजी की राहुल फार्म हाउस बा होई जा, रोबा परिचित बानी होई जा से, वहाँ के लोग समाज के जानत होई, तनी पता करवाई ना 5-6 साल पहले कौनो ऐसा घटना भइल रहे का कि कौनो यंग लड़की प्रेग्नेंट रहे और बाद में उकर बच्चा के कुछ पता ना चला लोग। हेलो बाबू, इकुल तो घर के अंदर के बात होगी ना, बाहर के लोग के कैसे पता चली? हाँ पता ना चली बाबूजी, हम समझ सकता नहीं, लेकिन राहु नेटवर्क भी तो बानो, प्लीज अपन नेटवर्क से पता लगवाई ना, हो सकता हमके ई केस के कोनो सॉलिड लीड मिल जाए। का हो विशंबर, ससुर दामाद सब बातें जे बतिया ले बा लोग। अरे चला चल के खाना खा ला लोग, लाग गइल बा खाना, जो बतियावल जा सकेला, चला। हमार तो कुल गप चलते रहेला। अब रवा आलोक बाबू को लेके जाई, खाना वाना खिलाई, हम आवत ने वो काम निपटा के। अरे बाबूजी अभी तो कतरा नहीं रहुआ कि बहुत जोर से भूख लागल बा? हाँ भूख लागल बा बहुत तेज, लेकिन अभी रवा कहनी ना राव वो काम खातिर तो हम एगो फोन लगा लेते नी। हाँ हाँ लगाई ना, हम वेट करब। अरे आलोक बाबू रवा जाके खाना वाना खाई, हम देखत ही ना। आमा लेके जा आलोक बाबू के, जय रुआ। तो बात कर लेती रुआ। अरे चाई हम निपटा के आओ। जी चल। हेलो सदानंद, हेती चुकी लेकिन नाक में दम कर दे लगी, जल्दी से जल्दी कर काम करे के पड़ी। औका बौका तीन तड़ौका लौवा लाठी चंदन काठी। तालो के अभी तक खेला खत्म ना भई,
चला किताब कॉपी रख लोगी। माई थोड़ी देर आऊ खिले दो ना। माई मिट्टी का सब पता बा वो रख दी। हाँ माई हम रख दे। थैंक यू मिट्टी। मिट्टी तोहर बैग कहाँ बा? तू स्कूल ना जाइबू? ना हम स्कूल ना जाए। मिठी सवेरे से सुनत रही स्कूल ना जाए स्कूल ना जाए कहने जेबी स्कूल है। मिठी हम कुछ पूछा था नहीं। मिठी माई मिठी स्कूल का नहीं खिजार। अरे बेटा अगर कुल कुकुर कासिये चल जाई तब पत्तल के चाटी तू चाट बू। चुप जब देखो तब बकर बकर पढ़ाई के टाइम असर मुहे ना खुलेला। माई पत्तल के चाटी मतलब का कहलू समझने के आवत? सारा लोग के सारा चीज के मतलब जाने के बा। अच्छा हम ई कहत नहीं हां कि अगर मीठी भी स्कूल चल जाई हन तो फिर घर के काम के करी। अब देखा बहुत बात कर लगू अब चलो सुतल लगिन कल स्कूल जाए के बना। चल मिठी बेटा। अरे कुल घर की चिंता छोड़ कुल करे खाती सोनी मुनी के माई बाड़ी ना है? दादी भी बाड़ी। बाऊ जी आदमी के आपन काम खुद करे के चाहिए। मिठी बेटा है ना बेटा हमार बात सुना पढ़ाई से दूर ना भागे के चाहिए। याद बा एक दिन तू कहले रहलू कि बाबूजी हमरा खूब पढ़े के बा अब पढ़ लिख के खूब बढ़ान आदमी बने के बा। बेटा पढ़बू ना तो तार सपना कैसे पूरा होई? बाबूजी सपना तो ढेर रहे लेकिन अब हमरा लागत था हमार कौनो सपना ना पूरा होई। भूइया कहे बिछौना बिछाओ तर ऊपर सुतरा। मिठी बेटा काहे ऐसे करता रू अपने बाबू से नाराज बड़ू का? ना बाबू जी हम रउआ से नाराज नहीं की लेकिन आज के बाद से हम नीचे सुतब। अरे बाप रे ये सब का बा इतना रात में ही सब कुछ के दुकान कैसे खुलल बा भाई? ये सब छठी माई की पूजा की तैयारी हो रहल बा। ये देखिए ये छठी माई के साड़ी बा है भाई उनका चुनरी बा है छठी माई के माला आ हाय देखिए हाय बिंदी बा कैसन लग रहल बा? बहुत बहुत सुंदर था। ऐसे ऐसे का देख रहल बानी? देख रहल बानी कि छठी माई कितना दयालु बानी कैसे वो पल भर में
इंसान के बदल देवेली। ओकरा झोरा में इतना खुशी भर देवेली कि ओकरा के गिनत गिनत ओकर पूरा जीवन बीत जाला। मोनी दीदी, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करिया, मस्ती मत करिया। बाबूजी दिनों के लेके जाई, हम तो भुला ही गई नहीं। रुका आ बतानी। इली सुन दीदी, हम डाल देता नहीं। ले दे बाबूजी। दादी, किचन में कौन काम हुई था बताई ना। अरे काम तो बहुत है बाकी तहरा से ही सब थोड़े हुई, लेकिन काम कहला से नू देह में फुर्ती आवेला, हाथ मजबूत रहेला, दिमाग तेज होखेला। चलो देखो तनी तारा लाइक कोनो काम होखी तो। हेलो हेलो, बद्री बाबू से बात हो सकेला का? हाँ बोलो तनी, बोली। बद्री बाबू हमरा रउआ से मिले के रहे। के बोलता नहीं रउआ, हमरा से का काम बा, कहे मिले चाहतनी? हमरा रउआ से एगो जरूरी बात करे के रहे। का बात करे के रहे बोली ना। हमरा रउआ के मिठी के बारे में बात करे के रहे। जानकी, का बना बता रू? अम्मा जी लिट्टी चोखा बनावता नहीं। इसमें मैंने लिया है चार लाल। उ कह चलन कि उनकरा के लिट्टी चोखा बहुत पसंद बा, यही से। अरे तो लिट्टी चोखा में मोबाइल देखे के का जरूरत बा? हु तो हम वैसे ही बना देती। और पता बा, आलोक के हमार हाथ के लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा पसंद बा। ना ना अम्मा जी, हम मोबाइल देख के लिट्टी चोखा नहीं बनावत, होता हम एगो स्पेशल मसाला दाल बनावता नहीं, यही खातिर। ओ मसाला दाल, बुझा था कि कोनो नया डिश बा। बनावा बनावा, एकदम नीमन तरीका से बनाई है। एक
मिनट अम्मा जी, हम आवता नहीं। ठीक है। तो मैडम जी, आपन पति के खुश करे खातिर बाटी चोखा और मसाला दाल बनावा तड़ी। तो हम हो तो मसाला दाल में और मसाला दाल तानी। ई रहल मिर्ची, ई राउर मसाला दाल और स्पेशल हो गई। ई रहल नीमक, तहार पति तो बहुते खुश हो जाए। भौजी देखा आज हमार कमाल, कपड़ा कपड़ा। मसाला दाल ना हमनी के खुद पे मसाला दी। भौजी आज तो मजा आ गई। हेलो, हाँ जहाँ रहो कल रानी वही जुबानी हम। ठीक बा, रहुआ बद्री बाबू हैं। हाँ, ओ विशंबर, हम बद्री प्रसाद, माफ करी हम रोवा के पहचान नहीं ना। बस इतना समझ ली कि राउर और हमार तार एक ही जगह से जुड़ल बा और जगह भी है मेठी। ठीक